दोस्तों मैं हूँ या आप लोग, सबको तो इच्छा करता ही है घूमने के लिए, खासकर एडवेंचरस प्लेस पर। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अगर हम लोग बाइक से जाएं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर चार चक्का नहीं जा पाता है। ऐसे में हम लोग बाइक का यूज करते हैं एडवेंचरस जगह पर जाने के लिए। लेकिन यार मज़ा तो तब किरकिरा हो जाता है जब वहाँ पर होटल की व्यवस्था नहीं होती है या रात में रुकने का व्यवस्था नहीं होता है, जंगली जानवर का डर रहता है और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग उस जगह पर नहीं जाते हैं या जाते हैं फिर फंस जाते हैं। तो ऐसे में हमने बना दिया है एक बाइक वाला घर, यानी एक छोटा सा कैंपर, बाइक से चलने वाला घर, जो कि इसमें वो सारा चीज़ है जिससे हम लोग बाइक से कहीं दूर जाएं या कहीं किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर होटल की व्यवस्था नहीं हो या रहने की व्यवस्था नहीं हो, तो इस चीज़ का यूज करके हम लोग रात में भी सेफली रुक सकते हैं। तो यहां पर ये कैंपर है, इसे आप पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। दोस्तों इसको मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है, मुझे भी एक एडवेंचरस, सुंदर, सुनसान और ख़तरनाक जगह पर जाना है। तो इसके अंदर क्या है इसे दिखाने से पहले, सबसे पहले तो हमें वहाँ जाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी है और इसे ये पता नहीं यार टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, ये साइकिल से भी चल सकता है। तो चलिए सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है और रात में रुकेंगे भी। तो चलिए यार चलते हैं। वहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वहाँ पर यार बाइक भी ले जाना पता नहीं वहाँ पर सही होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर मैं पहली बार ये कैंपर बनाया हूँ तो यार क्या होगा ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं यार क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कैंपर को देखने के लिए इतने सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं कि यार कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। मैं तो यहाँ से जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि यार लेट भी हो रहा है ना। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ के आ। तो यहाँ पर चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने सोचा था कि ये रोड जो है ना वो अच्छा होगा, लेकिन इन सारे रोड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमारा चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखते हैं यार हमारा कैंपर बच पाता है या फिर नहीं, यार जाने के बाद ही पता चलेगा। अब तक आप पब्लिक रिएक्शन देखिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए ऐसे जगह पर जहां पर हमें आना था, और ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहां पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा सुनसान है, यहां आसपास कोई गांव नहीं है और जो भी यहां पर लोग हैं वो घर वापस जा रहे हैं। और हमारा कैंपर इतना रास्ता खराब होने के बाद भी बिल्कुल सुरक्षित इस स्थान पर आ चुका है। हम लोग इस स्थान पर रहेंगे, रात में यहां पर रहेंगे। तो दोस्तों वहां पर देख सकते हैं सूर्यास्त होने वाला है और यहाँ पर खाने पीने की तो दूर की बात है, यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है। नदी है पास में लेकिन उसका पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं, परंतु हमारा जो कैंपर है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम लोग यहाँ पर रात में भी रुक सकते हैं। तो बिना देरी किए मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, इस कैंपर के अंदर, यानी इस बाइक वाले घर के अंदर क्या है। तो चलिए बिना देरी किए इस कैंपर के, यानी इस छोटे से घर के अंदर देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है, आखिर इस व्यवस्था से हम लोग रात में रुक सकते हैं या फिर नहीं इस सुनसान जगह पर। तो यहाँ से खुला हमारा दरवाजा, सबसे पहले यहाँ पर है यार जैकेट, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो सबसे पहले तो
इसको पहन ले रहा हूँ। तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर। भाई इसके अंदर यहाँ पर देखिए, ये है एयर बेड, सोने में बहुत ही आरामदायक होगा यार। सबसे पहले तो इसके अंदर लाइट जलाते हैं, इसमें लाइट का भी व्यवस्था है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं लाइट हमारा ऑन हो गया है, और देख सकते हैं यार वो भाई साहब। तो भाई यहाँ से बाहर का नजारा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मैं अब इसको अंदर से बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बोतल रखा हुआ है, इसमें पानी है, और यहाँ पर देख सकते हैं पेंटिंग है, एयर बेड है, ये है मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर, यहाँ से मैं मोबाइल भी चार्ज कर सकता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। वाओ भाई साहब, यहाँ पर मैं फिर से लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर मैं आराम से इस तरह से सो सकता हूँ यार। इसे निकाल देते हैं, अंदर ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है यार। यहाँ पर खाने के लिए इस बैग में खाना पड़ा हुआ है, इसमें टूल्स वगैरह है, ताकि इसमें कुछ भी खराबी होता है तो मैं इसको सही कर सकता हूँ। यार थक गया हूँ सच में, बहुत ज्यादा रास्ता खराब था। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, तो बाहर से आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये देख सकते हैं यार बाहर से नजारा, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ इसके अंदर। दोस्तों अभी रात तो नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए यहाँ के आसपास की चीजों को मैं दिखाता हूँ कि ये कितना ज्यादा सुनसान है। अभी इसको मैं डिटेक्ट, मतलब इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं बाइक से, तो इसको बाहर कर देते हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं यार यहाँ पर और भी क्या क्या चीजें हैं। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर का नजारा, जब मैं इसके अंदर नहीं हूँ तब कैसे दिखाई दे रहा है। तो इसको करते हैं बंद। तो ये हो गया हमारा कैंपर बाइक से अलग, तो अब हमारा कैंपर रहेगा यहीं पर। अब चलिए बाइक से मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आसपास का इलाका क्या क्या चीजें हैं यार। रेत में गाड़ी चल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नदी है, ये नारायणी नदी है, और अभी इसका पानी बहुत ही कम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आसमान में अब पूरा रात होने वाला है, लालिमा छा चुका है, और इधर बगल में है शमशान घाट। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना कि यहाँ पर शमशान घाट है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए। तो यार यहाँ से शमशान घाट शुरू होता है, और वहाँ पर है हमारा कैंपर यानी बाइक वाला घर। और अब चलिए इधर के साइड में देखते हैं यार इधर क्या है। तो यहाँ पर अब मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, और इधर 5 किलोमीटर तक कोई कुछ भी चीज नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत, और बगल में नदी, एक साइड में रेत, बस यही सारा चीज दिखाई दे रहा है यार। और बाइक में यहाँ पर घुमा सकता हूँ, हमारा कैंपर वहाँ पर बीच में है, मीन्स एक जगह पर है, और हम लोग आ चुके हैं लगभग 1 किलोमीटर तक। और यहाँ पर यार इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है कि कहाँ तक इसका। ओ भाई ये क्या हुआ यार, दलदल में मेरा बाइक फंस गया, मुझे तेजी में निकालना होगा यार, दोनों ही चक्का दलदल में चला गया है। यहाँ पर नीचे पानी भी है, यार ये कैसे नहीं। दोस्तों यहाँ पर मेरा बाइक फंसा हुआ था, और देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हार्ड हो चुका है, लेकिन बाइक के लिए यार दलदल है। आई थिंक मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, पता नहीं यार इधर क्या है क्या नहीं है, मैं पहले इधर नहीं आया हूँ, बाइक अभी फंस गया था मेरा। तो यहीं से अब कैंपर की ओर जाते हैं, कैंपर हमारा वहाँ पर है, देख सकते हैं उतना दूर पर है, और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए फिर से अब वापस चलते हैं, यार क्या होगा आगे वो मुझे नहीं मालूम है, इसीलिए मैं यहाँ से वापस लौट जा रहा हूँ। यहाँ पर पास में नदी है, कहीं भी दलदल हो सकता है, कहीं भी हमारा बाइक फंस सकता है, इसीलिए अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि यार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, वास्तव में लाइट है नहीं, आप आसमान में देख सकते हैं तारा दिखाई दे रहा होगा, ये कैमरा का कमाल है कि जिसके चलते ये इतना लाइट दिखाई दे रहा है। चलिए अब वापस चलते हैं।
तो फाइनली यार मैं अब कैंपर के पास पहुंच चुका हूँ। ये देखिए यार कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यार रात में, और वो भी इस सुनसान जगह पर भी देख सकते हैं यार कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और हमारा कैंपर देख सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पर यार कोई है ही नहीं कि इसको कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, मैं बुरी तरह से फंसने वाला था क्योंकि बाइक मेरा दलदल में फंस चुका था। और यहाँ पर देख सकते हैं यार कैंपर कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं इस सुनसान जगह पर। इसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होगा कि हम लोग किसी सुनसान जगह पर हैं। खाने के लिए केला, नारंगी। ये पेंटिंग कैसे लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यार आपको वीडियो देख के लग रहा होगा कि इतना सुनसान जगह पर भी मैं हूं, लेकिन ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं किसी 5-star होटल में हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो घर देख रहे हैं एक छोटा सा, कितना मजेदार लग रहा है आपको वीडियो में देख के ही पता चल जा रहा होगा। यार यहाँ पर खाने के व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, मोबाइल चार्ज करने के लिए व्यवस्था है, लाइट्स हैं, सोने के लिए एयर बेड है, और मच्छर नहीं काटे इसके लिए हमारा ये कैंपर है इतने सुनसान जगह पर भी। तो यार अब मैं खाना खा लिया हूं, तो चलिए अब आराम से मैं यहाँ पर सो जा रहा हूँ। यहाँ पर सोने में कोई भी परेशानी नहीं है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए इस छोटे से घर के लिए, इस बाइक वाले घर के लिए। तो अब मैं लाइट्स ऑफ कर दे रहा हूँ और सो जाते हैं।